हेलो गाइज, इस वीडियो में हम टाइटन के साथ क्या और क्यों हुआ जानने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कैसे हुआ। कुछ दिनों पहले 5 लोग टाइटनिक शिप जो समुद्र में डूब चुकी है उसे देखने के लिए गए थे। वे जिसमें समुद्र के अंदर गए थे वह एक समर्सिबल थी, न कि कोई सबमरीन। इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। जो समर्सिबल होती है उसे एक शिप में पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर उसे वहाँ से पानी में डाला जाता है। पानी में भी वो एक राफ्ट जैसी प्लेटफॉर्म पे होती है, फिर उससे अलग होकर नीचे जाती है। जबकि सबमरीन में ऐसा नहीं होता है, इसको ऐसे कोई इक्विपमेंट की नीड नहीं होती है। सबमरीन बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहने के लिए बनी होती है। ओशियनगेट एक कंपनी है, उसका एक समर्सिबल है टाइटेन, जो टाइटेनिक शिप को देखने के लिए ये कंपनी उसे यूज करती है। ये समर्सिबल काफी छोटी होती है, इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, 4 पैसेंजर और एक पायलट। इसमें ज्यादा बैठने का स्पेस नहीं है, आपको फ्लोर पर ऐसे बैठना होगा। इसके आगे एक टॉयलेट भी है जो एक कर्टन से सेपरेटेड है, जो समर्सिबल के आगे के हिस्से में है। इस समर्सिबल को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक होती है, जो कि गेम कंट्रोलर की तरह होती है। इस समर्सिबल के बैग में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम है जो 96 आवर प्लस तक ऑक्सीजन दे सकता है कंपनी के अनुसार। जो इसके आगे के हिस्सा होता है वह टाइटेनियम से बना होता है और इसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनी होती है। अब देखते हैं कि इस समर्सिबल कैसे समुद्र में गया। सबसे पहले एक शिप इस समर्सिबल को समुद्र में ले जाती है, जिसमें समर्सिबल होती है। फिर इसे शिप से उतार दिया जाता है। इसके नीचे एक रैंप जैसा एक स्ट्रक्चर होता है। कुछ डेप्थ में जाने के बाद ये समर्सिबल रैंप से अलग हो जाती है। फिर इसका पायलट इसे जॉयस्टिक से मूव करता है। 18 जून को 9:30 बजे इसे समुद्र में उतार गया। इसमें कम्युनिकेशन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, पर 3-4 आवर बाद इसने सिग्नल देना बंद कर दिया। 4:30 बजे वापस आने का प्लान था। 7 बजे के करीब मदर शिप ने यूएसए कोस्टल गार्ड से हेल्प मांगी। इस समर्सिबल में एक गैस चैम्बर होता है जो अंदर के समर्सिबल पे प्रेशर लगाता है। इसमें हाई प्रेशर गैसेज होती है, जबकि बाहर से समुद्र प्रेशर लगाता है, इसलिए बैलेंस हो जाता है। यदि अंदर ही प्रेशर कम हो जाए तो बाहर से समुद्र के पानी का प्रेशर इसे पिचका देगा, जिससे इसमें इम्प्लोजन हो जाएगा। इसे बनाने के लिए कार्बन फाइबर का प्रयोग किया गया था, जो शायद इतने प्रेशर के लिए ज्यादा ठीक नहीं है। कार्बन फाइबर के यूज के लिए अभी भी रिसर्च चल ही रही है। इस समर्सिबल में जो लोग बैठे थे वे बहुत रिच थे। जैसे ये समर्सिबल नीचे गई, 3 आवर के बाद जाने के बाद इसमें इम्प्लोजन हो गया, यानी ये पिचक गई और इसके 4-5 टुकड़े टाइटेनिक शिप से 500 मीटर दूर देखे गए। पर इसमें इम्प्लोजन क्यों हुआ? वेरियस रीजन हो सकते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे उतना ही पानी का वेट बढ़ जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्ट उस स्पेस को गिरेगी तो उस पर प्रेशर लगेगा। तो इतने प्रेशर को झेलने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट चाहिए। कोई एक क्रैक और खेल खत्म। इसमें जेम्स कैमरून का कहना है कि वे 33 बार टाइटेनिक शिप को देखकर आ चुके हैं, इसे भी डेप्थ तक जा चुके हैं। ये समर्सिबल थोड़ा गुड क्वालिटी का नहीं होगा, इसी कारण इसमें इम्प्लोजन हो गया। पर इस टाइटेनिक शिप को बाहर क्यों नहीं निकाला जाता और इसे कहीं पर रख दे ताकि सब इसे देख सके? एक्चुअली इतने सालों से ये समुद्र में है और वो एक आइसबर्ग से टकरा कर टूट गई थी, तो ये काफी वीक हो चुकी है। इसे निकालने का प्रयास किया गया तो ये जो जैसी दिख रही है वैसी भी नहीं दिखेगी। कैसे एक AI ने उसे कंट्रोल करने वाले को भी मार दिया? वॉच दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।